संगम नगरी प्रयागराज से लखनऊ होते हुए गोरखपुर जाने वाले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वंदे भारत ट्रेन के संचालन से प्रयागराज से अयोध्या को सीधे तौर पर जोड़ दिया गया है। गोरखपुर लखनऊ गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रयागराज स्टेशन तक विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न रेल परियोजनाओं का लोकार्पण, राष्ट्र को समर्पण एवं शिलान्यास अहमदाबाद से किया। गोरखपुर लखनऊ गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रयागराज स्टेशन तक विस्तार के अवसर पर प्रयागराज से वंदे भारत विशेष गाड़ी का संचालन किया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज जंक्शन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद विधायक सहित लोकल लोगों को आमंत्रित किया गया। प्रयागराज में आज वंदे भारत ट्रेन जो लखनऊ जाने के लिए मात्र 3 घंटे में ही पहुंचा देगी, बहुत आरामदेह सफर होगा और उसमें स्वल्पाहार की भी व्यवस्था होगी। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और प्रयागराज में फ्रेट कॉरिडोर और बहुत सारे, अगर हम कहें इन 10 सालों में 2014 से 2024 में रेलवे में ही अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 85,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उत्तर प्रदेश में रेलवे का लगभग 16,000 किलोमीटर का रेल का नेटवर्क है। एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो जब हम सरकार में आए थे उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट थे, आज 21 एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होगा जहां पर 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त है। अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे में 37.7% पूरे देश का, अभी हम 7 और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, आगामी कुंभ तक गंगा एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ रुपए का बन करके तैयार होगा, तो पूरे देश का 50% से अधिक एक्सप्रेसवे होगा निश्चित रूप से पूरे देश में। मैंने उत्तर प्रदेश की बात की, पूरे देश में कहां 74 एयरपोर्ट थे, आज 149 एयरपोर्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे देश ने जो छलांग लगाई है आज पूरी दुनिया इसकी तारीफ करती है और पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से देश की ओर देखती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार है और हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाला हर व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है, उनको स्वीकार कर रहा है, एनडीए को स्वीकार कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार। कार्यक्रम में शामिल होने आए पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से जब पूछा गया कि CAA नोटिफिकेशन का विपक्ष विरोध कर रहा है, इस पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि CAA नोटिफिकेशन से भारतीय मूल के किसी भी जाति धर्म के नागरिकों की नागरिकता नहीं जा रही है। इससे CAA जो नोटिफिकेशन हुआ है इसमें किसी भी भारतीय मूल का किसी भी नागरिक को, कोई जाति जिस धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको इससे उसकी नागरिकता नहीं जाती है। जो कह रहे हैं वो भ्रमित कर रहे हैं और मुझे लगता है देश समझदार हो गया और देश के हर नागरिक को ये पता है कि ये जो है वो शरणार्थी है और मानवता के आधार पर जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से यहाँ पे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट ये आना चाहते हैं, उन लोगों को ये इसका फायदा मिलेगा। और ये जिनेवा कन्वेंशन में भी है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई और नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार की योजनाएं जो अल्पसंख्यक होते हैं उन लोगों को दी जाती है और वो ही भारत ने किया है और वही संकल्प जो हमारा 2019 का था उसको हम लोग ने, मोदी जी ने पूरा किया। देखिए ममता बनर्जी इस समय जो है वो घबराई हुई है, उनका जो वहां पे वोट बैंक है वो भी घबराया है क्योंकि बंगाल के अंदर जो मुस्लिम है, जो समाज है, वो दो गुटों में एक्चुअली बटा हुआ है। एक है जो बांग्लादेश से आ रहा है और एक जो बंगाली है, जो बंगाली जो मूल बंगाली मुस्लिम है वो तो अपने आप को मानता है, उनकी महिलाएं बिछिया भी पहनती हैं, सिंदूर भी लगाती हैं, तो
ममता जी को घबराहट हो रही है, इसलिए उनको बरगला रही है, उनको भ्रमित कर रही है कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि तुम लोग की नागरिकता चली जाएगी। मैं ऐसा कुछ नहीं है, ये कानून उनके लिए नहीं है, दूसरों के लिए। जो बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मुस्लिम नहीं होते हैं, बांग्लादेश से जो आते हैं वो हिंदू होते हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। बोलिए, सबकी अपनी राजनीति, रोटियां सेक रहे हैं, सबकी राजनीति की रोटियां सेकने का हम लोग जवाब नहीं देते, देश के हित में काम करते हैं और काम कर रहे हैं। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।